अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ फिर हाजिर हैं और आज की जो स्टोरी है, दिस इज अनदर अमेजिंग स्टोरी के जिससे यकीनन आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी जिंदगी में। अच्छा, तो आज का जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ उसमें यह है कि एक बादशाह था जिसके पास बहुत सारी चीज़ें थी, माल, दौलत, इज्जत, पैसा, मान, मर्तबा, सब कुछ था। लेकिन उस वो जो बादशाह था वो एक आंख से काना था और एक टांग से लंगड़ा के चलता था। तो एक दिन उसने जो है काफ़ी सारे मुसव्विरों को जमा किया और उसने कहा कि जो मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाएगा और मेरे ये जो दो ऐब नज़र आते हैं कि आंख से काना है, टांग से लंगड़ा है, इनको छुपा देगा तो वो जो मांगेगा उसको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। दुनिया जहां के मुसव्विर आए लेकिन सब ने मना कर दिया, बिकॉज जाहिर सी बात है कि उस तस्वीर के अंदर कैसे वो उसकी आंख को छुपा सकते थे, कैसे जो है वो उसकी टांग को बता सकते थे कि वो बिल्कुल ठीक है। तो सब ने मना कर दिया, लेकिन एक जो बंदा था मुसव्विर वो राजी हो गया। उसने कहा बादशाह सलामत, मैं बनाऊंगा आपकी तस्वीर। तो उसने तस्वीर बनाई और क्या खूब बनाई कि सारे लोग जो है वो देखते रह गए। अच्छा, अब वो जो तस्वीर आप भी सोच रहे होंगे, यकीनन आपके भी जहन में आ रहा होगा कि कैसे उसने उसके इस ऐप को छुपा दिया। तो उसने बनाया यूं कि जिस तरह कोई शिकारी किसी चीज का निशाना लेता है और आंख को बंद करता है, तो इस तरीके से उसने जो है एक बादशाह की आंख को बंद दिखाया और अपनी उसकी एक टांग को जो है जमीन पे ऐसे ऐसे रखते हुए दिखाया कि जिसमें पता ही नहीं चला कि उसने जमीन पे टेक लगाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो टांग जो है उसकी लंगड़ी थी इस तरीके से। तो उसके बाद जो है सारे लोग देखते हुए रह गए और बादशाह ने उसको बहुत सारी चीजों से नवाजा और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसके इन ऐप को छुपा दिया। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज डियर व्यूअर्स कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनके बहुत सारे ऐप होते हैं, बहुत सारी उनके अंदर खामियां होती हैं या हमें उनके कुछ राज पता होते हैं, तो हम फौरन से जो है उनको पॉइंट आउट करते हैं और उनकी उन खामियों को इतना ज्यादा लोगों के सामने डिस्कस करते हैं, इतना ज्यादा हम उनसे उनके उनको जो है इस बारे में तंग करते हैं कि अगला बंदा जो है परेशान हो जाता है। तो अगर इर्द गिर्द देखा जाए तो अगर हम लोगों को उनकी खामियों के साथ एक्सेप्ट कर लें तो आप यकीन माने हमारी जिंदगी में बहुत बेहतरी आ सकती है। आई होप कि जो मैसेज मैं देना चाह रही थी वो आप लोग उसको समझ गए होंगे। तो इर्द गिर्द आपकी सराउंडिंग में जितने भी ऐसे लोग हैं जो किसी भी वजह से आपको लगता है कि उनके अंदर कोई ऐब है, देखें कोई नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारी चीजें कि जिसमें परफेक्शन नहीं होती, हर चीज में, महंगी से महंगी चीज में भी समटाइम कोई नुक्स निकल आता है। कभी आप कोई ब्रांडेड कोई चीज लेते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई खराबी हो जाती है। तो हम तो इंसान हैं, मशीनरीज खराब हो जाती हैं तो फिर इंसानों की क्या औकात है। तो किसी भी इंसान को उसके ऐप के साथ एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। तो यकीनन जब हम इस तरीके से करेंगे, लोगों को उनके ऐबों के साथ उसके ऐप पे पर्दा डालते हुए उनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें किसी के अंदर कोई बुराई नजर नहीं आएगी। एक्चुअली ये बुराई हमारी सोच में होती है। समझने वालों के लिए चीजें बहुत, ना मानने वालों के लिए बहाने बहुत। किसी और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।